हेलो दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर की, ठीक है। और वो भी गूगल सीट पे। अगर आप गूगल सीट यूज करते हैं और उसमें आपको ये नहीं पता है कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है और उसे यूज हम कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम फॉर्मेट पेंटर को यूज कैसे करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉय इन्फोटेक। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है मेरे पास, ठीक है। अब इस डेटा में हम यहाँ पे अगर कुछ एंट्री करते हैं तो वो क्या होता है कि कुछ अलग फॉर्मेट में एंट्री होता है, ठीक है। तो उस अलग फॉर्मेट में एंट्री करने से अच्छा है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डेटा दिया गया है और इस डेटा में अगर हम यहाँ पे कुछ एंट्री करते हैं तो वो क्या होगा कि इस फॉर्मेट से अलग एंट्री होगा, ठीक है। चलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 13 नंबर पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे अगर डेट दे दिया और यहाँ पे नेम है तो नेम भी हम दे देते हैं कुछ भी। यहाँ पे सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एंटर किया तो इसका फॉर्मेट कुछ अलग है और इसका फॉर्मेट कुछ अलग है। तो यहाँ पे आपको एक टूल मिलता है फॉर्मेट पेंटर का, कुछ इस तरीके से रहेगा, ब्रश टाइप रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर है। अब इसका यूज क्या है, तो बेसिकली फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है किसी भी फॉर्मेट को बदलना, ठीक है। फॉर्मेट मीन्स रंग रूप आकार को बदलना, वो फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट कुछ अलग है और इसका फॉर्मेट कुछ अलग है, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मेट को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और इसे चेंज करेंगे। तो उससे होगा क्या कि जो ये फॉर्मेट में रहेगा बना हुआ, सेम ये भी उसी फॉर्मेट में बदल जाएगा। इससे ना आपका टेक्स्ट डिलीट होगा और ना कुछ और डिलीट होगा, ठीक है। फॉर्मेट का काम सिर्फ होता है फॉर्मेट को बदलना। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे हम इस वाले सेल पर क्लिक करते हैं और फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, देखिए ये सिलेक्शन हो गया है। अब सेम इसी की तरह दिखने वाला हमें इसको बनाना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इन सब को सेलेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही माउस को छोड़ेंगे तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या बदल गया, चेंज हो गया। जैसा ऊपर का फॉर्मेट है सेम नीचे का फॉर्मेट बदल गया। आपका टेक्स्ट वही है, आपने जो टेक्स्ट टाइप किया था वही है, लेकिन क्या है इसका फॉर्मेट बदल गया है। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है कि किसी भी फॉर्मेट को किसी भी फॉर्मेट में चेंज करना, बदलना। अब यही चीज़ होता है क्या कि इस ऑप्शन का यहाँ पे, ये ऑप्शन अगर यहाँ पे नहीं होता तो आप जिस फॉन्ट में लिखे थे आपको उसका फॉन्ट बदलना होता, उसका साइज़ बदलना होता, मतलब बहुत काम करना होता। और ये फॉर्मेट है तो सिर्फ सिंपल एक बार में यहाँ से क्लिक कर लिया, इसका फॉर्मेट कॉपी हो गया, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर में क्या हुआ, इसका फॉर्मेट कॉपी हो गया। अब कहीं भी आप इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा तो सेम उसी का फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, फॉर्मेट पेस्ट होगा। अब इसके अंदर टेक्स्ट आप जैसा भी लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ही इसी के तरह ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो टेक्स्ट का साइज ऊपर रहेगा वही सेम इसमें आएगा। यहाँ पर हम फॉर्मेट यूज नहीं किए, अब यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देंगे तो देखिए कि इसमें और इसमें दोनों में अंतर हो गया। इसका टेक्स्ट का साइज़ कितना छोटा है और इसका टेक्स्ट का साइज़ कितना बड़ा है, तो ये सारा चीज़ हम कंट्रोल करते हैं फॉर्मेट पेंटर से, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अब कि फॉर्मेट पेंटर क्या है और कैसे यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।